दोस्तों, हम सभी के घर पर इस तरह का एक दीवाल घड़ी जरूर होता है और उस दीवाल घड़ी में एक छोटा सा बैटरी लगता है जो हर 4 महीने 3 महीने पे ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास जिसमें आपका जो दीवाल घड़ी है, आप एक बार बैटरी इसमें चेंज करोगे तो वो बैटरी आपका लाइफ टाइम चलेगा। तो दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 10K का रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर का यूज़ करूँगा और इस सर्किट को बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट का 18650 रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ करूँगा। दोस्तों, ये सर्किट बहुत ईजी है, आप इसे अपने घर पर बना सकते हो और मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको पूरी तरह से समझा दूंगा और ये सर्किट बहुत छोटा सर्किट है, आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक BC547 ट्रांजिस्टर का यूज़ करना होगा। दोस्तों, BC547 ट्रांजिस्टर का 3 लेग होता है। इसमें जो इसका पहला लेग होता है वो कलेक्टर का लेग होता है, इसका मिडिल वाला लेग जो है वो बेस का लेग होता है दोस्तों, और इसका जो साइड का लेग है वो एमिटर का लेग होता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर BC547 का कलेक्टर पिन के साथ मैंने एक 10K का रजिस्टर को ऐड किया है और उस 10K का रजिस्टर का दूसरा लेग मैं BC547 के बेस पिन के साथ कनेक्ट किया है और BC547 के बेस पिन के साथ मैंने एक और 10K का रजिस्टर को कनेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट का एक लिथियम आयन का रिचार्जेबल बैटरी यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे मैं BC547 के कलेक्टर पिन के साथ ऐड कर दूंगा और दोस्तों BC547 का जो बेस पिन है इसके साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है उस रजिस्टर के साथ मैं इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद दोस्तों BC547 के एमीटर पिन के साथ और 10K रजिस्टर जो हमने लगाया था बेस पिन के साथ वहाँ पर दोनों हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आउटपुट रहेगा वो 1.5 वोल्ट का रहेगा, जितना कि हमारा एक छोटा सा वॉल क्लॉक का बैटरी का वोल्टेज होता है। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब इसे हम लोग बना के देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको सर्किट डायग्राम में बताया कि BC547 ट्रांजिस्टर का 3 लेग होता है, कलेक्टर, बेस और एमिटर का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे हाथ में ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हैं इसका कलेक्टर बेस एमिटर पिन कौन कौन सा है और मैं इसका अभी सर्किट पूरा कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक 10K का रजिस्टर यूज़ करूँगा और इसे मैं BC547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों, इसका सर्किट बहुत आसान है, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको इसका सर्किट समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने कलेक्टर पिन के साथ जो रजिस्टर को कनेक्ट किया है, अब इस रजिस्टर का जो दूसरा लेग है इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा ट्रांजिस्टर BC547 के बेस पिन के साथ, हमें इसे कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों, जो इसका एक्स्ट्रा लेग है इसे हम लोग कट करके हटा देंगे। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 रजिस्टर का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका जो दूसरा रजिस्टर है इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे ट्रांजिस्टर के जो बेस पिन है उसके साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने दूसरा 10K का रजिस्टर यूज़ किया है इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ। दोस्तों, इसका जो लेग है इसे मैं कट कर दूंगा और इस सर्किट को चलाने के लिए मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट का 18650 बैटरी का यूज़ करूँगा। दोस्तों, ये जो होल्डर है ये 18650 बैटरी का होल्डर है और मैं इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ। दोस्तों, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे कनेक्ट कर देना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ, जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके साथ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसका जो आउटपुट है इसका वायर कनेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 वायर लिया है, एक रेड वायर है एक ब्लैक वायर है। तो दोस्तों, ब्लैक वायर को मैं कनेक्ट करूँगा रजिस्टर के साथ जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसका जो रेड वायर है इसे मैं कनेक्ट करूँगा ट्रांजिस्टर BC547 के एमिटर पिन के साथ। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इस सर्किट को हम लोग वॉल घड़ी के साथ लगा देंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप 18650 बैटरी की जगह पर कोई भी पुराना मोबाइल का बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी लिपो बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अपना जो दीवाल घड़ी है इसे लेकर आता हूँ और इस सर्किट को उसमें लगाकर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो सर्किट है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट को कैसे लाइफ टाइम रिमोट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो घड़ी है मेरा आ चुका है। अब मैं इस सर्किट को इस घड़ी में फिक्स कर दूंगा और मैं आपको इसका सर्किट को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो बैटरी होल्डर है इसे मैंने घड़ी के बैक साइड में अच्छे से चिपका दिया है। अब इसका जो सर्किट है इसे मैं घड़ी के मशीन के ऊपर अच्छे से चिपका दूंगा। इसके बाद दोस्तों मैंने जो यहाँ पर आउटपुट में दो वायर लिया था, ब्लैक वायर और रेड वायर, इन दोनों वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे घड़ी के मशीन में। दोस्तों जहाँ पर घड़ी का मशीन में बैटरी लगता है वहाँ पर हम लोगों को इन दोनों वायर को कनेक्ट करना है और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक वायर है ये मेरा नेगेटिव का वायर है, तो इसे मैं घड़ी के मशीन में जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और इसे मैं अच्छे से कनेक्ट कर दूंगा ताकि जो हमारा लूज कनेक्शन है वो ना रहे। इसके बाद दोस्तों जो रेड वायर है ये हमारा पॉजिटिव का वायर है, इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा घड़ी के मशीन में पॉजिटिव टर्मिनल पर। दोस्तों इसका भी कनेक्शन थोड़ा टाइट कीजिएगा ताकि आपका जो लूज कनेक्शन है वो ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्किट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इस सर्किट में 3.7 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी को कनेक्ट करूंगा। दोस्तों इस घड़ी में जो बैटरी लगता है वो 1.5 वोल्ट का होता है जो आपका 4 महीना चलता है। यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ करूंगा, यानी आपका जो बैटरी है एक बार फुल रिचार्ज करने पर आपका लगभग 8 से 9 महीना तक चलेगा। उसके बाद आपको सिंपल बैटरी को निकाल लेना है और इसे फिर से रिचार्ज करके अपने घड़ी पर लगा देना है। तो दोस्तों ऐसे आपका ये बैटरी लगभग आपका 10 साल तक साथ देगा और आपका घड़ी कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए हमारा घड़ी वर्क कर रहा है और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।